नमस्ते दोस्तों, आज हम पर्यूषण स्पेशल रगड़ा पूरी बनाने जा रहे हैं। ये पूरी हम गेहूं के आटे से ही बनाएंगे, तो चलिए फटाफट से इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम ले लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। इस मेजरमेंट से हम 40-45 पूरी बना सकते हैं। साथ ही हम इसमें अब डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितनी अजवाइन। इसको हाथों में अच्छे से मसल लेंगे ताकि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा आए। अब अच्छे से ये मसल चुका है तो हम इसे आटे में डाल देते हैं। साथ ही डाल देना है नमक स्वाद अनुसार। अब हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितना घी और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर लेना है। इस मेजरमेंट में 1 टेबलस्पून घी काफ़ी है दोस्तों, इससे ज़्यादा आप नहीं डालिएगा। बस दिखाए गए तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं आटे की मुट्ठी भी नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी काफ़ी है दोस्तों। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो चलिए अब हम पानी ले लेते हैं और इसका आटा गूंथ लेते हैं। ये आटा लगाने के लिए मुझे तकरीबन 3/4 कप जितना पानी इस्तेमाल किया है। और हमने जो आटा लगाया है वो बिल्कुल ही रोटी जैसा ही है। आखिर में हम 1.5 टेबलस्पून जितना घी डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मसल मसल के चिकना कर लेंगे। जितना अच्छी तरह से आप आटा गूंदेंगे उतनी ही पूरियां आपकी खस्ता बनेंगी दोस्तों, तो ये चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, हमने गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ये ज़्यादा सख्त या नरम नहीं है दोस्तों। चलिए अब इसे हम ढककर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट के बाद हम एक बार इसे अच्छे से गूंद लेंगे ताकि जब हम इसकी पूरियां बेलें तो बहुत ही खस्ता बने। अब इसे हम डिवाइड कर लेते हैं कुछ हिस्सों में। तब तक पूरी के लिए तेल गरम करने के लिए भी हम रख देते हैं। अब इसकी एक बड़ी रोटी बना लेंगे। अब इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ तोड़ने के लिए हम कोई भी डिब्बे का ढक्कन ले लेंगे या फिर आप कोई बॉटल का भी ढक्कन ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसे फोक की मदद से अच्छे से पोक कर लेंगे ताकि जब हम इसे तले तो पूड़ियाँ फूले नहीं। अब मैंने एक ढक्कन ले लिया है और उससे हम छोटी छोटी पूड़ियाँ तोड़ लेंगे ताकि जो हमारी सारी पूड़ियाँ हैं वो एक ही साइज़ की बने। जितना भी एक्स्ट्रा है हम उसे निकाल लेंगे और दूसरी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है दोस्तों, नहीं तो पूड़ियाँ डार्क हो जाएंगी। बस कड़छी की मदद से हम इसे ऊपर नीचे करते हुए अच्छे से पका लेंगे और हल्की लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे दोस्तों। अब आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। हम इसे पलट पलट कर अच्छे से पका रहे हैं। ये अब बनके तैयार है दोस्तों, तो हम इसे निकाल लेते हैं और इसी प्रकार बाकी की सारी पूड़ियाँ बनाकर भी हम रेडी कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी पूड़ियाँ बनके तैयार है। ये तकरीबन 40 पूड़ियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। चलिए एक तोड़ के मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है। तो इस प्रकार से आप ये पूड़ी ज़रूर से ट्राई करिएगा। चलिए अब इसका रगड़ा बना लेते हैं। सबसे पहले डाल देना है 2 टेबलस्पून जितना तेल, साथ ही 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसे हम अच्छे से चटकने देंगे। फिर डाल देनी है 1/4 TSP जितनी हींग। अब जो रगड़ा हमने बॉईल करके रख दिया था वो डाल देना है। मैंने रगड़े को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और फिर इसकी कुकर में 4 सीटियाँ ले ली है। मसाले में हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साथ ही डाल देना है धनिया ज़ीरा पाउडर। नमक डाल देना है स्वाद अनुसार और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है।
बस इसे 10 मिनट के लिए हम अच्छे से पकने देते हैं और हमारा रगड़ा है वो बनके तैयार है दोस्तों। तो चलिए अब सारी चीज़ों को हम असेंबल कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लेट में हम पूरी को अरेंज कर लेंगे, साथ ही इसके ऊपर अब हम डाल देंगे रगड़ा। रगड़ा डालने के बाद फिर हम डाल देंगे मीठी चटनी। ये मैंने सिर्फ इमली और गुड़ से बनाई है, इसकी भी रेसिपी मैं जल्द ही शेयर करूंगी दोस्तों। मीठी चटनी डालने के बाद आखिर में हम डाल देंगे सेब। सेब को भी मैंने घर पर ही बनाया है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसे हम गार्निश कर लेते हैं मसाला डाल डाल कर। फिर हम डाल देंगे इसके ऊपर मीठी चटनी और आखिर में हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले की रेसिपी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों। थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए मैंने ऊपर से डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर और हमारी यमी रगड़ा पूरी बनके तैयार है दोस्तों। तो इस पर्यूषण में आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा। वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे दोबारा ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।